मैम को गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। एना, आप आज फिर से लेट आए हो। सारी क्लास के बच्चे तो जल्दी टाइम से आ जाते हैं, आप हमेशा लेट रहते हो। सॉरी मैम, मुझे सुबह नींद आती है। अरे मैम, ये क्या बताएंगी, क्लास इनकी थोड़ी होती है, क्लास तो हमारी होती है। इन छोटे छोटे बिंदी से बच्चों का भी लोगे साफ करनी तो आती नहीं है, ये क्लास अटेंड कैसे करेंगे? देखो अभी इसका पढ़ने में कहाँ दिमाग है, अभी भी ये ड्राइंग में लगी हुई है। अरे मैम, आपकी तरह हर पेरेंट्स कंप्लेन करने लगेंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? मैम आपको तो मैसेज आ जाता है कि कल क्लास होगी, तैयारी तो सारे हमें करनी पड़ती है। इन्हें सुबह जल्दी उठाओ बिठाओ कि बेटा मैम आएगी, बैठ जाओ। इधर देखो मैम पढ़ा रही है, देखा अभी ध्यान नहीं है पढ़ने में। मैम आपको अगर अपने बच्चे को क्लास अटेंड नहीं करवानी है तो मत करवाओ, लेकिन और बच्चों को तो क्लास अटेंड करने दो, उन्हें तो डिस्टर्ब मत करो। मैम एना क्यों नहीं करेंगी क्लास, हम आपको ऐसे ही फीस देते हैं क्या? मैम आपकी वजह से मुझे सुना रही है, इधर देखो। आपको ऐसा लगता है क्या कि पैसे तो पेड़ पे लगे हुए हैं, जब चाहो तोड़ लो और आपको दे दो, ऐसा थोड़ी है, पैसे कमा कर लाने पड़ते हैं। आपको क्या पता है ना? मुझे हमेशा डांटती रहती है। चुप कर, सच भी बोलती रहती है। मैम आपको क्या पता कि पैसे कितने मेहनत से कमाए जाते हैं, आप तो अंदर बैठ कर पढ़ा देते हो वहाँ पे, जो बाहर से कमा कर लाता है उसे पता होगा ना। वैसे भी आप तो चाहती हो कि किसी को पढ़ाना ही ना पड़े। रोकी रिया बोला ना चुपचाप, देखो यहाँ पे। मैम आप तो चाहते हो कि आपको पढ़ाना ही ना पड़े, वैसे भी आप पढ़ाते कहाँ हो, थोड़ा सा पढ़ाकर होमवर्क दे देते हो, किसी पेपर पे लिख कर सेंड कर दो। ये छोटे छोटे बच्चे होमवर्क तो करते नहीं है, अगर ये होमवर्क ना करे तो हमें करना पड़ता है। इधर देखो, आपका तो काम खत्म हो जाता है, असली काम तो हमें करना पड़ता है। इनको पकड़ पकड़ कर इनका होमवर्क कराओ, और अगर टाइम से सेंड नहीं करा तो आपकी नई चिक चिक शुरू हो जाती है। मामो मार के रहे, मैडम तो मारती नहीं है। चुप रहे, मैडम तो मारती नहीं है, ऐसे बोल रही है जैसे मैडम ज्यादा अच्छी हो। मैम आप जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को तो पढ़ने देते ही नहीं है, और दूसरे बच्चों को भी पढ़ते समय डिस्टर्ब करते रहते हैं। फ्रेंड्स आपको मजा आ रहा है ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, हमेशा ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन। चलो आगे देखते हैं मम्मा के कारनामे। कारनामे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। 75 डिवाइडेड बाय 5 कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं, मुझे आता है। चुप करो नीबू, आपका भी नंबर आएगा। मैं सभी से पूछूंगी, मैम हमें तो करना पड़ता है डेली झाड़ू पोछा, आपने आज भी नीबू से नहीं पूछा? अरे मैम सबका नंबर आएगा, मैं सबसे पूछूंगी। अच्छा आप कौन बताएगा? 79 + 49। मैम मेरी लीबू से पूछो, मेरी लीबू को सब आते हैं, सब क्वेश्चन आते हैं। मम्मा बोलने से पहले मेरे से पूछ तो लेती, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। चुप कर लीबू, मैम इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता लीबू को, नहीं तो मेरी लीबू को सब कुछ आता है, सभी क्वेश्चन के आंसर आते हैं। चलो लीबू अब तुम ही बता दो तुम्हें क्या क्या आता है। क्या मैम मुझे क्या क्या आता है? मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे हंसना आता है, रोना आता है, खाना आता है, पीना आता है, सोना आता है, नींद आता है। ओह सॉरी मैम, नींद आता थोड़ी है, नींद तो आती है। लिबू मैंने ये सब कुछ नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कि मैथ्स में क्या क्या आता है आपको। मैथ छोड़ो मैडम जी, ये सब देखो मेरी लिबू को क्या क्या आता है, लेकिन आप पूछती नहीं हो है। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो अपनी बुक्स निकालो, रीडिंग करनी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एना, चलो रीडिंग करते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। मम्मा दूध ला दो, मुझे दूध पीना है। अरे मेरे बच्चे को दूध पीना, मैं अभी दूध लाई।
क्लास शुरू होती नहीं है, तुम्हें तभी दूध पीना याद आता है। अरे मैम, तो क्या बच्चे दूध नहीं पियेंगे? सुबह 7 बजे उठाना पड़ता है क्लास अटेंड करने के लिए, इतने इनको रेडी करते हैं, क्लास का टाइम हो जाता है तो दूध नहीं पिएंगे क्या? ये एनर्जी भी तो चाहिए पढ़ने के लिए। अरे मैम, आप पहले ही दूध पिला लिया करो ना। अरे दूध ही तो पीना है एना को, पी लेने दो, क्या डिस्टर्बेंस होगा आपको इससे? एना, आप पढ़ाई में ध्यान दो, जब तक खेलवाना दूध जल्दी से पी ले। चलो जल्दी फिनिश करो, आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बस मुझे और नहीं पीना। ठीक है, कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। मम्मा को भूख लगी, कुछ खाने को ला दो। बेटा मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाए, ठीक है? ना, अभी तो आपने दूध पिया था, इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई? पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। मैम, आपको एना के खाना खाने से क्या प्रॉब्लम है? बच्चा सुबह से भूखा है, उसे खाना ना दो क्या? भूखा ही रखूं क्या? देखो भूख की वजह से एना का पेट कितना अंदर चल जा रहा है। एना खड़े होकर दिखाओ मैम को, देखो कितना अंदर चले गया पेट। अगर खाना नहीं दिया तो बीमार हो गई, तो पेट में दर्द हो गया तो इसका इलाज कौन कराएगा? आप कराएंगे क्या? अरे मैम, आप इसके लिए खाना ले आओ, पर पूरी क्लास के बच्चों को पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। हाँ हाँ, ला दियो। ये लो बेटा, नूडल खा लो। जल्दी से फिनिश कर दो ना, मैं आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। मैम, आपको क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है ना के खाने से? खाने दो ना। मैम, मैं बच्चे को नजर लगाऊंगी क्या? खाने को मना करते जा रहे हो। चलो आराम से खाओ। बस और नहीं खाना। चलो बेटा, पढ़ाई करो आप अच्छे से। अरे बच्चों, कहाँ थे हम? क्या पढ़ा रहे तुमने? अरे एना की मम्मी की वजह से सब कुछ भूल गई। अरे हाँ, याद आया। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स। मम्मा बहुत प्यास लग रही है, पानी दे दो। अभी नहीं बेटा। एना, क्या है? कभी आपको दूध पीना होता है, कभी पानी पीना होता है, कभी आपको भूख लग जाती है। पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रखा है आपने। अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करनी होती है तो ज्वाइन क्यों करते हो? ये लो है ना पानी। मैम, बच्चे को प्यास लगे तो वो पानी भी नहीं पिएगा क्या? मैम प्लीज, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, जल्दी से पानी पिला के जाओ ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जा रही हूँ। बेटा पानी पी लिया हो तो पढ़ाई कर ले। कहाँ थे हम? G for grapes, G for grapes, H for hat, H for hat। हमारे राउंड और ये फ्रूट दे दो। हाँ बेटा, अभी नहीं। हे भगवान, इन्होंने तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके रखा है, मुझे आज ढंग से पढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं। मैं जल्दी लेके आओ। ये लो बेटा, तरबूज खा लो, इससे बहुत एनर्जी मिलेगी। हाँ मैडम, ऐसा कीजिए, आप पहले इसको अच्छे से खाना खिला लीजिए, उसके बाद ही क्लास ज्वाइन कर लेना। जब आपको मन करे जब क्लास ज्वाइन कर लेना। मैं अभी इसकी क्लास ऑफ कर देती हूँ। खाओ है ना, आराम से खाओ। माँ, मैं तो क्लास ऑफ कर दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी प्रिंसिपल को फोन करती हूँ। इन्हें पढ़ाना तो होता नहीं है और बच्चों के खाने से भी प्रॉब्लम है। पूरी क्लास को ढाबा बना के रखा है, ऐसी मम्मा से तो भगवान बचाए। लिबू, जाओ जल्दी से वर्ड मैप लेकर आओ। ओके मैम। मैम वर्ड मैप ले आई। चलो अब जल्दी से इसे ओपन करो। ओके मैम। मैम ओपन कर लिया। अब इसमें मुझे ग्रीस कंट्री ढूंढ कर दिखाओ। ग्रीस कंट्री तो शायद एशिया में होनी चाहिए ना? क्या कहा? कुछ नहीं मैम, वो मैप में थोड़ा छोटा छोटा लिखा है ना, तो मैं ढूंढ रही हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं माइक्रोस्कोप लेकर आओ। नो मैम। मम्मा इधर आओ ना। किसे बुला रहे हो? आपकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? मम्मा आओ ना। क्या मम्मा? ग्रीस ढूंढने में हेल्प कर दो। ग्रीस? ग्रीस तो आपके पापा गाड़ी के सामान में रखा है, तो क्या करना है? वो वाला ग्रीस नहीं, ग्रीस कंट्री। ग्रीस कंट्री भी होता है क्या? हाँ, हेल्प करो ना ढूंढने में। चलो ढूंढते हैं, जल्दी ढूंढो ना, कितना टाइम लगेगा।
दो मिनट मैम, मैं ढूंढ रही हूँ। दो मिनट में तुम ग्रीस पहुंच जाएंगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैम मिल गया ग्रीस, ग्रीस मिल गया। यूरोप में है। अच्छा अब ये बताओ कि यूरोप की अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन कितनी है? मैम सोच रही हूँ। मम्मा आओ। अब क्या हुआ? यूरोप की पॉपुलेशन कितनी है? यूरोप की पॉपुलेशन एक मिनट में फोन में देख कर बताती हूँ, ठीक है? अभी देख कर बताओ मैम। 10.7 मिलियन। मैम यूरोप की पॉपुलेशन 10.7 मिलियन है। अच्छा तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो लीमू। यस। चलो अब मुझे बताओ कि ग्रीस की कैपिटल क्या है? ग्रीस की मैम अभी बताती हूँ, थोड़ी देर में सोच कर। आज तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? अरे मैम मैं अभी बताती हूँ ना। मैम बहुत दिन हो गया ना मैंने कैपिटल का रिवीजन नहीं किया, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अभी अभी आपको सोच कर बताती हूँ। ये बार बार अपना माइक क्यों बंद कर देते हो? मम्मा आओ। अब क्या हो गया? मैं आपने पूछा कि ग्रीस की कैपिटल क्या है? सोचती हूँ क्या थी? अभी देखा तो था मैंने, मुझे एंथ देख क्या नाम है। जल्दी आओ। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। एथेंस? ये अब मैं जाऊँ? याद आया कुछ क्या है कैपिटल? यस मैम ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। मुझे लगता है लीबू कि तुम बार बार माइक बंद कर देती हो, आप तुम किसी की हेल्प तो नहीं ले रहे हो? नो मैम। अच्छा अब ये बताओ कि ग्रीस की लैंग्वेज क्या है? ग्रीस की लैंग्वेज मम्मा। क्या मम्मा क्या कह रहे हो? नहीं मैम मैं तो मम्मा से एक पानी मंगा रही थी, मुझे प्यास लगी है ना। मम्मा तो किचन में सब्जियां काट रही है। अम्मा ग्रीस है तो शायद लैंग्वेज ग्रीक हो सकती है, क्योंकि ग्रीक भी तो एक लैंग्वेज थी। मैम को बता देती हूँ मैम ग्रीस की लैंग्वेज ग्रीक है। तुम तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हो। थैंक यू मैम। लगता है पढ़ाई में तुम्हारी मम्मा भी तुम्हारी हेल्प करती है। यस मैम मेरी मम्मा मुझे हेल्प करती है, और अब जो भी मुझे पढ़ाते हो ना मैं उसे 4-4 टाइम रिवाइज करती हूँ। ओके लीबू बाय। बाय मैम। आज तो बच गई। क्या मम्मा किचन में वेजिटेबल कट कर रही है? 4-4 टाइम रिवाइज करती हो? पढ़ भी लिया करो, मैं हेल्प कराऊंगी हमेशा। आज इस ग्रीस में तो मेरी पिटाई करवा दी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग लीबू। आज आपको सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट? मम्मा इधर आओ, आज सरप्राइज टेस्ट है और मैंने कुछ स्टडी नहीं करा। इधर आओ ना। क्या आज सरप्राइज टेस्ट है? अरे लीबू के 100% मार्क्स आने चाहिए, यही तो फायदा ऑनलाइन क्लास का। लीबू माइक क्यों ऑफ कर दिया? मैम गलती से ऑफ हो गया होगा, मैं अभी ऑन करती हूँ। मैम मैंने ऑन कर दिया, वो नेटवर्क इशू की वजह से ऑफ हो गया होगा। अरे लीबू आज तो मजे आ गए, ऑनलाइन क्लास में टेस्ट 100 मार्क्स आएंगे आज तो आपके। मम्मा धीरे बोलो। लीबू मैंने आपके मेल पर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया है, जाओ उसकी प्रिंट आउट निकाल कर लेकर आओ। ओके मैम। मम्मा क्वेश्चन पेपर की प्रिंट आउट निकाल कर लिया ना? तो अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये देखो लीबू बेटा मैंने दो दो प्रिंट आउट निकाले हैं, इनका आपके लिए एक मेरे लिए। मम्मा धीरे बोलो, मैम अभी भी ऑनलाइन है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट पकड़ो, एक मिनट रखती हूँ। मैम मैं अभी वॉशरूम जाकर आई। मम्मा इधर आओ। कैमरा और माइक ऑफ कर दिया क्या? अब बताओ क्या कह रहे थे? मैंने दो क्वेश्चन पेपर की सीट निकाली है ना, अब आपको तो कुछ लर्न नहीं है, तो आप सिर्फ लिखने की एक्टिंग करना। मैं उधर बैठ के तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूंगी और फिर हम इसे अपलोड कर देंगे। मम्मा बेस्ट आइडिया एवर। मम्मा ने तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। चलो कैमरा माइक ऑन कर देती हूँ। अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो। ओके मैम।
लगता है नीकू तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से टेस्ट दे रहे हो। यस मैम, आप जो भी पढ़ाते हो मैं उसे 3-4 बार रिवाइज करती हूँ इसलिए। चलो अब जल्दी से फिनिश करो अपना क्वेश्चन पेपर। ओके मैम। मैम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। ये किसे थम्स अप कर रहे हो? मैम किसे नहीं। चलो अब जल्दी से अपलोड करो। ओके मैम। मम्मा क्वेश्चन पेपर हो गया तो अपलोड कर दो। अब तो मेरे 100% के मार्क्स आएंगे। लिबू तुम तो बोल रहे हो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तभी तुमने इंग्लिश के टेस्ट के आंसर हिंदी में लिखे हैं। अरे मम्मा आपने ये क्या किया, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के आंसर हिंदी में दे दिए। अरे बेटा तुम्हें तो पता ही है ना मुझे इंग्लिश कहाँ आती है, मुझे हिंदी आती है, तुमने हिंदी में तुम्हारे सारे आंसर दे दिए, अच्छा किया ना। अरे मम्मा आपने क्या कर दिया, आपकी हेल्प ही तो करी थी मैंने। चीटिंग करने आज तो भारी पड़ गई। देखा लिबू, चीटिंग करने के लिए भी ना दिमाग की जरूरत होती है, बिना दिमाग के चीटिंग भी नहीं होती है। और जितना दिमाग तुमने चीटिंग करने में लगाया ना, उतना दिमाग अगर तुमने पढ़ाई में लगा लिया होता ना, तो आज तुम्हारे 0 मार्क्स नहीं आते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग लिबू, तुम सच में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। देखो अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है। मैम जब रियल क्लास स्टार्ट होगी ना, जब आप सबको मुर्गा बना देना। मैडम जी सबसे पहले इसी को मुर्गा बनाना, इसको खींच खींच के उठाकर लाना पड़ता है क्लास ज्वाइन करने के लिए। जा रही हूँ जा रही हूँ। अरे मैम ऐसी बात नहीं है, लिबू तो देखो कितने अच्छे से ड्रेसअप होकर क्लास अटेंड करती है, बाकी बच्चे तो सब नाइट रूट में उठकर आ जाते हैं। अरे मैडम जी आपको क्या पता, ना तो उठकर ब्रश करती है ना नहाती है, ऐसे ही उठकर आ जाती है। उठकर दिखा ना मैम को। खड़े होकर दिखा मैडम को। देखा मैम ऊपर टी शर्ट है और नीचे शॉर्ट्स पहनकर आ गई है। और क्यों चुप रहो ना? क्यों चुप रहो मैम को तो पता चले आपके कारनामे। जा रही हूँ जा रही हूँ। आज तो मम्मा ने हद ही कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी मैम के सामने। ये क्या ली हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हूँ और तुम ये सब काम करती हो। सॉरी मैम। अरे मैडम जी आप जो इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो ना, आपको पता है जो आप असाइनमेंट देते हो ना, इसके आधे से ज्यादा असाइनमेंट तो मैं ही करती हूँ। मम्मा आपकी कंप्लेंट हो गई, फिर और कुछ बताना है तो बता दो। ये भी बता दो कि क्लास ज्वाइन करने के बाद मैं कैमरा ऑफ करके मोबाइल में गेम खेलती हूँ, ये भी बता दो। मुझे बताने की क्या जरूरत है, मैम ने सब सुन लिया है। और बताओ बताओ। मम्मा जाओ आप जाओ खाओ मम्मा। लिपू मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं यहाँ तुम्हारी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हूँ और तुम मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हो। सॉरी मैम मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। फ्रेंड्स आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना और अगर ग्रे है तो उसे ग्रे ही रहने देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।